सो हाय एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को कल की अर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कितने किलोमीटर मुझे कल ज़्यादा से ज़्यादा भेजा है और जो इंसेंटिव मिला तो वो हमें कब मिलेगा, क्योंकि अभी हमें इंसेंटिव नहीं अपडेट हुआ, तो इंसेंटिव वो कब अपडेट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहना। और आप लोग कल देखो, मैंने कल एक लाइव वीडियो बनाया था कि हमारा ऑर्डर लग रहा है, तो उस वीडियो मुझे तो मज़ा नहीं आया। जब मुझे नहीं सही लगा तो आप लोगों को कैसे लगेगा। कि यहाँ पे हम आप लोगों को छोटा सा वीडियो देके आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं कि हमारा कब कब ऑर्डर लगा, और आप लोग अगर ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम मतलब कितने कितने देर में ऑर्डर लगता है, कितने कितने रुपये एक ऑर्डर का मिलता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला ऑर्डर हम आप लोगों को बताते हैं। पहले ऑर्डर में ये मुझे इतनी दूर भेज दिया था कि कुछ पूछो मत। चलिए वहाँ से मैं रिटर्न, जब आप लोगों को कल लेकिन मज़ा भी आया था कल मुझे काम करने में। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो आपको बताएंगे। चार ऑर्डर के बारे में बता देते हैं, चार ऑर्डर लगे थे कल, उसके बाद हम आप लोगों को थोड़ी सी बात बताएंगे। देखिए पहला ऑर्डर मेरा जो लगा वाव मोमो से लगा, तो मैं खड़ा अपने लोकेशन पर, तो थोड़ा दूर घसीट के हुआ था। तो डिस्टेंस मैंने जो पिकअप डिस्टेंस ट्रैवल की थी 2.17 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की थी, और ड्रॉप लोकेशन जो थी 10.64 किलोमीटर थी। समझ लीजिए कि टोटल जो मुझे 10.64 11 किलोमीटर पड़ गया था टोटल, और वो 2.5 किलोमीटर पड़ गया क्योंकि घूम के थोड़ा जाना पड़ गया था। तो ये समझ लीजिए कि हमारे 11, 2, 13.5, 14 किलोमीटर हमको पूरा डिस्टेंस दोनों में पड़ गया था। अब इसके बाद हमारा जो ऑर्डर ये वाव मोमो से लगा हुआ था, ये ऑर्डर जो है स्वरूप नगर में है और हमको IIT कानपुर में देना था। IIT कानपुर का नाम आप लोग जाने ही होंगे, बहुत फेमस है। अगर आप लोग कहीं से भी हैं तो IIT कानपुर आप लोग जरूर जानते होंगे। तो 126 रुपये हमें इस ऑर्डर पे टोटल अर्निंग हुई थी, जिसमें कि 112 रुपये हमारा जो है ऑर्डर पे बना और 14 रुपये रिटर्न पे का बना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर लगा था वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा ऑर्डर लगा, एक आप लोग समझिए कि इस ऑर्डर में हम आप लोग को थोड़ा सा बताएंगे कि देखिए ये ऑर्डर जो है लगा था पिज़्ज़ा वर्ल्ड से, और पिज़्ज़ा वर्ल्ड से मतलब वहीं पे IIT के बाहर। मैंने सोचा कि आज हम जाएंगे ही नहीं जब तक मेरा ऑर्डर नहीं लग जाएगा। गिग्स में एक फ़ायदा तो है कि जब तक आपका रिटर्न ऑर्डर न बन जाए तब तक आप वहीं खड़े रह सकते हैं, आपका ऑर्डर ज़रूर लगेगा अगर होगा तो। देखिए हमारा वहीं से IIT कानपुर से पिज़्ज़ा वर्ल्ड का ऑर्डर लगा, और 8/21 में ये हमारा ऑर्डर लगा था। और डिलीवर मैंने कब किया था ये आप लोगों से बता दें, वो ऑर्डर मैंने 7:57 में ऑर्डर डिलीवर किया था। इतने टाइम तक मैं यहाँ पर खड़ा रहा, फिर इसको ऑर्डर मुझे मिल गया 2.2 मिनट मिल गया 2.5 मिनट में, और मैंने इस ऑर्डर को डिलीवर किया। 3.42 किलोमीटर मुझे अब डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, तो इसमें कैश कलेक्टेड भी है, तो 189 रुपये मैंने लिया। टोटल 50.27 रुपये इस ऑर्डर को मिला। इस ऑर्डर में अपडेट थोड़ा सा देखिए कि ये अपडेट आप लोग देख सकते हैं कि ये मैप इस तरीके से कुछ अब शो कर रहा है। कहीं कहीं पे किसी किसी दिन इस मैप में शो करता है, ये आप लोग जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं ये पूरा IIT कानपुर में आता है, IIT का है पूरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर हम जो देखते हैं, थर्ड ऑर्डर जो हमारा लगा था ये सरदार जी थाली वाला से ऑर्डर लगा था। तो यहाँ से हमारा ये ऑर्डर लगा, तो 8:52 पे हमारा ऑर्डर असाइन हुआ था, 8:57 पे मैं रेस्टोरेंट पहुँच गया था 2.5 किलोमीटर पे, अच्छा 2.49 पिकअप था तो हमें 2.5 किलोमीटर जाना पड़ा था। और 8:57 में जब पहुँच गया तो ये ऑर्डर मुझे 9:02 पर ऑर्डर मुझे मिल गया था, और 9:22 मैंने इस ऑर्डर को डिलीवर किया था। 7:16 में मैंने 7:16 जो है मैंने इस ऑर्डर को डिस्टेंस ट्रैवल की थी ड्रॉप करने पे, तो इस ऑर्डर को मुझे मिला टोटल 86 रुपये 82 रुपये ऑर्डर पे का और 4 रुपये रिटर्न पे का। अब आप लोग ये सोचे कि इसके बाद हमारा ऑर्डर फिर से वहीं लग गया बर्गर किंग से, 9:22 में ऑर्डर असाइन हुआ था, और इस ऑर्डर को मैंने डिलीवर किया 9:22 में, तुरंत ऑर्डर लग गया था। 9:22 में ऑर्डर लगा, मैं 9:26 में डेली वहाँ पर पहुँच गया 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की पिकअप पे, और 9:30 में मैंने ऑर्डर को पिक कर लिया, 9:42 में ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, और 4.39 किलोमीटर मैंने इस ऑर्डर डिस्टेंस ट्रैवल की थी। समय 4.39 की डिस्टेंस ट्रैवल करने पे हमको 50.58 रुपये मिला था। फिर इसके बाद जो है हमारा कोई ऑर्डर नहीं लगा था, वहाँ पे मैं खड़ा रहा काफ़ी देर। मैंने सोचा 9:42 है अभी 18 मिनट पर शायद ऑर्डर लग गया, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं लगा था। अब यहाँ पर देखिए कि आप लोगों से बता दें कि टोटल अर्निंग फिर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो हुआ क्या था कि सबसे अच्छा तो हमें ये लगा था कि मैं जब IIT गया था तो वहाँ से 11 किलोमीटर रिटर्न आना पॉसिबल नहीं था, बहुत दूर पड़ता। फिर मैंने क्या कि वहीं पे मैं स्टैंड हो गया, मैं वहीं पे एक पिज़्ज़ा वर्ल्ड वहीं पे अब बाय मतलब बगल में 300 से 400 मीटर दूर ही था, तो मैं वहीं से खड़ा हो गया कि मैं चलो ऑर्डर लगाते हुए चलते हैं। तो खैर वहाँ से फिर मैं चला आया, फिर उसी तरीके से मैं वहीं से ऑर्डर लगते हुए चले गए, तो कम से कम हमारा ऑर्डर जो है पूरा स्लोप घर तक बना था। मतलब एक बार मैं घर से 10 किलोमीटर लोकेशन पर 10 किलोमीटर फिर 11 किलोमीटर वहाँ गया, 10-11 कितना हो गया 11 और 10 21 हो गया, और मान लीजिए 30 किलोमीटर में वापस गया होगा 21 और 21 42, और मान लीजिए 50 किलोमीटर मैक्सिमम गाड़ी चली थी, 50 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलने पे ऑर्डर का जो है मैक्सिमम 50 किलोमीटर बता रहे 45 के आसपास चली थी शायद, और इसमें ऑर्डर में हमारा 313 रुपये का काम हुआ था।
जिसमें कि ऑर्डर पे 295 मेरे पास रिटर्न पे 18 रुपये 56 पैसे है, तो 313 रुपये का हमारा काम टोटल हुआ था, जिसमें कि 100 रुपये पेट्रोल लगा था, 213 रुपये कल अर्निंग हो पाई थी, ज़्यादा नहीं बच पाया था वहीं पे। हाँ लेकिन एक काम हो गया था कि मैंने कल एक साइड ऑफ एक्स का ऑर्डर लगाया था, तो 50 रुपये उसमें भी काम हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा कल जल्दी आ गया था इस वजह से काम नहीं हो पाया, नहीं तो बाकी कल काम कल भी हो जाता अच्छा सा। तो जैसे कि आप लोगों को अब साइड ऑफेक्ट से 3 दिन की अर्निंग हम आप लोगों को दिखा देंगे कितनी हमारी मैक्सिमम पहुंची है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं तक ख़त्म करते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में साइड ऑफेक्ट्स वाले वीडियो मिलेंगे शाम को। आज 3 दिन के वीडियो मैंने नहीं बना पाया था, लेकिन आज 3 दिन का वीडियो आज एक साथ हम कलेक्ट करके बना देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।